हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नींद के बारे में। स्लीप जो है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा बनाए रखने में। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जितना दिन हम जागते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हम अपनी ज़िंदगी का सोने में गुजारते हैं, तो यह हमारे लिए कितना ज़रूरी है इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि स्लीप के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं, इससे क्या बीमारियां हो सकती हैं, और साथ में समझेंगे उन टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी नींद को अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें कितने आवर्स की नींद लेनी चाहिए। देखिए, इसके लिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद काफ़ी होती है, लेकिन सिर्फ हमें आवर्स नहीं गिनने होते हैं, इसके अलावा हमें ये देखना होता है कि कितने अच्छे से हमने नींद ली है। जब हम जागें तो इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि हमारी नींद गहरी थी या फिर हम 7 घंटे बिस्तर पर लेटे रहे। पहले बात करते हैं कि बच्चों को कितनी नींद ज़रूरी होती है। एडल्ट्स के कंपैरिजन में बच्चों की जो नींद होती है वो ज़्यादा होती है। सबसे पहले टीन्स की बात करें तो 8 से 10 घंटे की नींद उनको ज़रूरी होती है हर रात। उसके अलावा जो बच्चे स्कूल एज में हैं उनको 9 से 12 घंटे की ज़रूरत होती है, और प्री स्कूलर्स को 10 से 13 घंटे की ज़रूरत होती है। और अगर हम और छोटे बच्चों की बात करें, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो 14 से 17 घंटे तक नींद उसके लिए ज़रूरी होती है, और टोडलर्स के लिए 12 से 16 घंटे की नींद अच्छी मानी जाती है। और इन बच्चों की नींद इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए स्लीप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट आता है कि इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। दूसरा बेनिफिट आता है कि आपका जो वेट गेन का खतरा होता है वो कम हो जाता है, साथ में आपको जो डिजीजेस का खतरा होता है वो भी कम होता है, जैसे कि डायबिटीज टाइप 2, हाइपरटेंशन या फिर दिल से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनका खतरा कम हो जाता है। अच्छी नींद की वजह से आपका स्ट्रेस कम रहता है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, और आप अच्छे से काम कर पाते हैं, और आपकी डिसीजंस लेने की कैपेसिटी इंप्रूव होती है, और जो लोग वर्कआउट करते हैं उनकी मसल गेंस, स्ट्रेंथ गेंस और रिकवरी में बहुत हेल्प होती है। तो एक अच्छी नींद बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है। अब एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि क्या ये मैटर करता है कि हम कब सोते हैं या कब नींद लेते हैं, तो इसका आंसर है जी हाँ, ये बिल्कुल मैटर करता है। आपकी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है और उसी तरह से आपकी बॉडी काम करती है। जैसे रात होती है तो हमें नींद आने लगती है, और दिन होता है तो हम एक्टिव हो जाते हैं। इस तरह से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो काम करती है। तो इस पैटर्न को ध्यान में रखकर हमें अपने सोने का समय डिसाइड करना होता है। अब थोड़ा सा उन पॉइंट्स की ओर नज़र डालते हैं जिनकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। सबसे पहले स्ट्रेस और एंजाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है आपके स्लीप पैटर्न में, साथ में पेन या फिर कोई हेल्थ कंडीशन या मेडिकेशन। हेल्थ कंडीशन में जैसे कि हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है या फिर अस्थमा है, और उसके अलावा कोई स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है जैसे कि स्लीप एपनिया और इंसोमेनिया। साथ में आपका ओवरऑल कैफीन का इंटेक कैसा है और आपका अल्कोहल का कंजम्पशन, तो आपकी लाइफस्टाइल इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अगर आपको नींद में प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए कुछ सिंपल से टिप्स होते हैं, वो फॉलो करके देखिए। सबसे पहले आप फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करिए, खास तौर से शाम के टाइम पर फिजिकल एक्टिविटी ऐड करिए। दूसरे नंबर पर आपका जो सोने का और जागने का टाइम है उस टाइम को फिक्स करिए, उसी टाइम पर आपको बेड पर जाना है और एक फिक्स टाइम पर जागना है। उसके अलावा आपका जो रूम है उसका टेम्परेचर सही होना चाहिए और उसमें शांति होनी चाहिए। और अगर आपको मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, गैजेट्स चलाने की आदत है तो आप उनको कम से कम सोने के 1-2 घंटे पहले बंद कर दीजिए, और सोने के कम 1 घंटे पहले या 1/2 घंटे पहले आप बुक्स पढ़ने की कोशिश करिए। बुक्स में आपका ध्यान होना चाहिए इस बात पर कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, या फिर ऐसी बुक्स जो आपको सोचने पर निर्भर करें, या फिर ऐसी बुक्स जो आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएँ। और हाँ, लव स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी, इस तरह की बुक्स कम पढ़ें। ज़्यादातर हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि बुक्स हमें ऐसी सेलेक्ट करनी है जो हमारी लाइफ को ऊपर की ओर ले जाएं या फिर हमारी ग्रोथ में हेल्प कर पाएं।
अब आखिरी में बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स के बारे में। हमें कैसे पता लगेगा कि हमको कोई स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, तो इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। रीजंस में सबसे पहले आपको सोने में दिक्कत आती है या फिर आप कुछ टाइम तक लेटे रहते हैं। जब आप जागते हैं तब आपको स्लीपीनेस रहता है या फिर पूरे दिन आप एक्टिव फील नहीं करते हैं या अच्छा महसूस नहीं करते हैं। और इसके अलावा जब आप जागते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है या फिर उठने का मन ना करे या फिर चलने फिरने का मन ना करे या फिर किसी काम करने की इच्छा ना हो। इसके अलावा आपकी टिंगलिंग सेंसेशन हो सकता है आर्म्स और लेग्स में। और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे और यह भी बता पाएंगे कि आपको किस तरह का स्लीप डिसऑर्डर है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो सभी के साथ शेयर करिए। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। चीयर्स।